हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करेंगे। ये कैसे काम करता है, ये किस प्रकार से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ले जाता है और इसकी क्या खासियत है, क्या ड्रॉबैक है, जानेंगे इसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। GSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित लॉन्च सिस्टम है। GSLV का उपयोग 2001 से 2018 तक 13 प्रक्षेपणों में किया गया था। अब इसका एक अलग वर्जन GSLV MK3, जिसे बाहुबली भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। यह एक पूरी तरह से अलग लॉन्चर है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स के लिए भारतीय लॉन्च क्षमता हासिल करने के उद्देश्य से की गई थी। GSLV उन प्रमुख घटकों का उपयोग करता है जो पहले से ही PSLV में यूज़ होते आए हैं, जिसमें सॉलिड रॉकेट बूस्टर और लिक्विड फ्यूल्ड विकास इंजन शामिल है। GTO ऑर्बिट यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में उपग्रह को इंजेक्ट करने के लिए आवश्यक थ्रस्ट के कारण तीसरे चरण को एक लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड हाइड्रोजन क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित किया जाता है। PSLV में यह तकनीक उपयोग नहीं की जाती थी। एक जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट एक होमैन ट्रांसफ़र ऑर्बिट है। यह एक अंडाकार कक्षा जिसे एक ही प्लेन में अलग अलग रेडियो के दो सर्कुलर ऑर्बिट के बीच ट्रांसफ़र किया जाता है, जो हाई थ्रस्ट केमिकल इंजन का उपयोग करते हुए जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचता है। GSLV का पहला लॉन्च 18 अप्रैल 2001 को किया गया था, जो फेल हुआ था। इसके बाद GSLV ने GSAT-2 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया था। शुरुआती लॉन्च में से 2001 से 2014 के बीच में 7 लॉन्चों में से केवल 2 ही सफल हुए थे। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक इंजन कंट्रोवर्सी की। यह GSLV का तीसरा चरण है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। इस तीसरे चरण को रूसी कंपनी ग्लेवो कॉस्मोस से ख़रीदा जाना था, जिसमें 1991 में हस्ताक्षरित एक समझौते के आधार पर, जिसमें टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन शामिल था। लेकिन मई 1992 में मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR के उल्लंघन के रूप में अमेरिका द्वारा इस सौदे पर आपत्ति जताने के बाद यह सौदा रद्द हो गया। फिर इसके बाद इसरो ने अप्रैल 1994 में क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट शुरू किया और ख़ुद का क्रायोजेनिक इंजन विकसित करना शुरू किया। इस क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल के साथ शुरुआती उड़ानों के लिए इसका नाम GSLV MK1 रख दिया गया था। GSLV 49 मीटर लंबा है और इसका लिफ्ट ऑफ मास 415 मीट्रिक टन है। ये तीन चरण वाला व्हीकल है जिसमें ठोस, तरल और क्रायोजेनिक चरण शामिल हैं। इसके पहले चरण में S125 यानी 125 मीट्रिक टन सॉलिड ईंधन का यूज़ किया जाता है, जो उड़ान के समय 100 सेकंड तक जलता है। बाद में इन लॉन्चों में प्रोपेल्ड लोडेड S139 स्टेज इस्तेमाल किया जाने लगा। ये स्टेज पर 4700 किलो न्यूटन का फोर्स उत्पन्न करता है। सेकेंड स्टेज में विकास इंजन का यूज होता है, जो 2.8 मीटर के डायमीटर का होता है। लास्ट है थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ होता है। इसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। इस इंजन का डिफ़ॉल्ट थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन है, लेकिन इसकी क्षमता 93 किलो न्यूटन तक है। लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि अंतरिक्ष में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन की ज़रूरत क्रायोजेनिक इंजन को ज्वलंत बनाए रखने के लिए किया जाता है। GSLV MK3 की बात करें तो इसे बाहुबली भी कहा जाता है।
क्योंकि ये अब तक का भारत का सबसे भारी पेलोड ले जाने वाला व्हीकल है। इसरो ने इसका मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया है। इसे भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के तहत चालक दल के लिए लॉन्च वाहन के रूप में भी जाना जाता है और चंद्रयान 2 जैसे समर्पित विज्ञान मिशन भी शामिल हैं। इसका पहला कक्षीय परीक्षण 5 जून 2017 को किया गया था। अभी इसका उपयोग भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के तहत पहले चालक दल वाले गगनयान को ले जाने में भी किया जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो यह भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव ईंधन चालित इंजन में ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है, इसलिए ऐसे इंजन निम्न तापी रॉकेट इंजन कहलाते हैं। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और आक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे मैं आपको जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में भी बता देता हूँ। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी कक्षाओं के बीच एक छोटा सा अंतर है। जियो सिंक्रोनस एक ऑर्बिट है जो पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है। इसका अर्थ है कि उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी के घूर्णी वेग के बराबर होता है। इस कक्षा में रखी गई कोई भी वस्तु एक ही दिन के बाद उसी बिंदु पर वापस आ जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के किसी विशेष स्थान के लिए एक निश्चित देशांतर के लिए उपग्रह एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। हालांकि एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भू समतुल्यकालिक के लिए क्षैतिज विमान के साथ शून्य झुकाव के साथ 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी गोलाकार कक्षा होती है। इस मामले में उपग्रह आकाश में एक विशेष बिंदु पर स्थिर रहता है। जीएसएलवी MK3 की अब तक जीएसएलवी MK3 को 4 बार लॉन्च किया गया है और चारों बार यह सफल रहा है। इसकी पहली उड़ान 18 दिसंबर 2014 को हुई थी, जिसमें ये केयर पेलोड को लेकर गया था। दूसरी उड़ान 5 जून 2017 को हुई थी, जिसमें ये GSAT-19 को लेकर गया था। तीसरी उड़ान में ये GSAT-29 को लेकर गया था और चौथी उड़ान में चंद्रयान 2 को लेकर गया था। इसी से गगनयान मिशन भी भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी GSLV के बारे में और GSLV MK3 बाहुबली के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।